तो आज मैं बात करने वाला एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे सीरीज के वॉचर के ऊपर, जिसका नाम है मशूके टेंशन जो प्लस रिकॉर्डिनेशन। इस एनिमे के रिलेटेड इसके तमाम सीजंस, ओवी एपिसोड्स और इसके मंगा के रेफरेंस को फॉलो करेंगे ताकि आप इस एनिमे की स्टोरी को पूरी तरह समझ पाए। तो प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, तो बिना टाइम इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस एनिमे के वॉच ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले अगर हम इस एनिमे का एक शॉर्ट रिव्यू कर लें, तो ये एक एडवेंचर ड्रामा ईची और एक मैजिक वर्ल्ड पर बेस है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज की एक ईसा की एनिमे है, जो कि इस एनिमे को सबसे स्पेशल बनाता है किसी भी नॉर्मल एनिमे के मुकाबले में। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये एक ट्रू ईसा की एनिमे है, जिसमे एनिमे का मेन कैरेक्टर अपने रियल लाइफ को पूरी तरह वेस्ट कर देता है और एक फेलियर की लाइफ गुजारने के बाद अनएक्सपेक्टेडली ईसा की वर्ल्ड में रिकॉर्डिनेट हो जाता है और अपनी न्यू लाइफ की स्टार्ट एक न्यू बर्न बेबी में करता है, जहाँ पर उसे अपनी एक न्यू लाइफ गुजारने का मौका मिलता है अपनी प्रीवियस मेमोरीज के साथ, जिसमें हमारा एनिमे का मेन कैरेक्टर अपनी प्रीवियस लाइफ की मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करता है और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता है, ताकि वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सके, जिसके बीच वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करता है और लाइफ चेंजिंग लेसन सीखता है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। साथ साथ ये एनिमे बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर और ईची कंटेंट से भरा हुआ है, जिसे आप बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो एक बहुत ही बेस्ट एनिमे होने वाला है, जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये एनिमे स्टार्ट होता है अपने फर्स्ट सीजन से, जिसका नाम था मशूके टेंशन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन, जो कि रिलीज हुआ था जून 11, 2021 को। इसके फर्स्ट सीजन के अंदर आपको टोटल 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड की लेंथ है 23 मिनट और इसके फर्स्ट सीजन की रेटिंग मिली थी 8.38 की। तो फर्स्ट सीजन देखने के बाद अब सीजन 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसका नाम था मशूके टेंशन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन पार्ट 2, जो कि रिलीज हुआ था अक्टूबर 4, 2021 को। इसके सेकंड सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड की लेंथ था नियरली 23 मिनट और इस सीजन की रेटिंग मिली थी 8.68 की, जो कि इस सीरीज का अभी तक का सबसे बेस्ट सीजन है। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसके रिलेटेड एक स्पेशल एपिसोड देखेंगे, जिसका नाम था जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन एरिस द गोब्लिन स्लेयर, जो कि रिलीज हुआ था मार्च 16, 2022 को। एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ है टोटल 23 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती है 7.85 की। इस स्पेशल एपिसोड के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टोरी देखने को मिलती है कुछ इंपोर्टेंट एनिमे कैरेक्टर की, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। तो इस एपिसोड को देखने के बाद अब इसका एक और स्पेशल एपिसोड देख सकते हैं, जिसका नाम था जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन सेकंड सीजन एपिसोड 0 गार्डियन फीट्स। ये एपिसोड रिलीज हुआ था जुलाई 3, 2023 को। ये एक सिंगल एपिसोड है जिसकी लेंथ टोटल 24 मिनट और इस एपिसोड की रेटिंग मिलती 7.51 की। अगर हम इस एपिसोड के ऊपर बात करें, तो मोस्टली रीकैप है सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का, लेकिन क्योंकि ये एपिसोड सीजन 2 से पहले रिलीज हुआ था, तो उस टाइम इस एपिसोड की बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी और काफी एनिमे फैन ने पसंद किया था। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वरना मोस्टली एनिमे फैन अब इसे स्किप कर देते हैं। तो इस स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इस सीरीज का सेकंड सीजन देखेंगे, जिसका नाम था मशूके टेंशन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन सीजन 2, जो कि रिलीज हुआ था जून 10, 2023 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड की लेंथ है 23 मिनट और इस सीजन की रेटिंग मिली थी 8.31 की। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसी सीजन का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसका नाम है जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन सीजन 2 पार्ट 2, जिसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट रिलीज हो चुकी है, जो कि ऑफिशियली रिलीज होगा अप्रैल 2024 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम इसके मांगा के ऊपर बात करें, तो मशूके टेंशन एक लाइट नोवेल सीरीज है, जिसके अंदर आपको टोटल 25 वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। और स्टिल इसकी स्टोरी ऑन गोइंग है और न्यू वॉल्यूम रेगुलर रिलीज हो रहे हैं। अभी तक इस एनिमे सीरीज ने सिर्फ इसके 7 वॉल्यूम ही अडॉप्ट किए हैं और आपको नेक्स्ट न्यू सीजन की स्टोरी इसके वॉल्यूम 8 से देखने को मिलेगी। तो ये काफी लॉन्ग रनिंग सीरीज होने वाली है और आपको फ्यूचर में 4 से 5 न्यू सीजन भी देखने को मिल सकती है और बहुत सारी मूवीज और ओवी एपिसोड। और क्योंकि इसकी स्टोरी स्टिल ऑन गोइंग है, तो अभी हम कुछ प्रॉपर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगर मैं अपना बेसिक रिव्यू दूं इसके नॉवेल्स के ऊपर, तो एनिमे कम्युनिटी में लोगों को बहुत सारी कंप्लेन है कि एनिमे सीरीज ने इसके नॉवेल्स को बहुत ही बुरे तरीके से अडॉप्ट किया है, जिसकी वजह से इसके सेकंड सीजन की बहुत ही ज्यादा ट्यून चेंज हो चुकी है और स्टोरी काफी हद तक मिसिंग भी है। तो अगर आप स्टोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप इसके वॉल्यूम जरूर पढ़िएगा, जिसमें आपको ज्यादा बेहतर डिटेल देखने को मिलेगी इसके एनिमे सीरीज से, अगर आप इस एनिमे में ज्यादा डीप जाना चाहते हैं। इसके अलावा इस सीरीज के तमाम एपिसोड आपको इंग्लिश सब और डब दोनों में देखने को मिल जाएंगे, मोस्टली एनिमे वेबसाइट्स पर। यह एनिमे आपको इजीली नेटफ्लिक्स और क्रंचरोल दोनों एनिमे वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाएगा। तो यही है इस सीरीज का अभी तक का कंप्लीट वॉच ऑर्डर। तो मैं करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी बेस्ट एनिमे के वॉच ऑर्डर करता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।